I am Nirupa Yadav from Asian Institute of Management and Technology. I am pursuing my degree in Bachelor's of Mass Communication and Journalism. So, Nirupa, suppose I ask you that you have always been very staunchly against corruption. Okay. So, if I tell you that in 10 years from now or 5 years from now, you need a job very badly and that person tells you ki nahi aapko to paisa dena hoga, so what will be your reaction? I will ask him main kyun dungi paisa agar main capable hu. Pehli baat to youngsters ko jin log paisa dete hain, first thing ki corruption sirf paisa lene se nahi hota, corruption start paisa dene se hota hai. Aap paisa dete ho, अरे उनको पैसा चाहिए. इस दुनिया में हर लोग को ज्यादा पैसा चाहिए. कोई नहीं चाहता कि हम एक बेडरूम और एक बाथरूम वाले घर में रहे. सबको बड़ा सा घर चाहिए होता है. तो पैसा कमाने के लिए जिसको जो सही होता है वो करते हैं. उन्हें पैसा चाहिए वो मांगेंगे. अब डिसाइड आपको करना है कि आप पैसा देते हो या नहीं, उन्हें घूस देते हो या नहीं. और अगर आप घूस देते हो तो करप्शन वहां से स्टार्ट होता है. तो पहली बात तो बहुत लोग बोलते हैं यार इंडिया में करप्शन इतना है, ऐसा है, वैसा, हर जगह घूस देते हैं. लेकिन कोई ये नहीं सोचता, घूस लेते हैं क्योंकि लोग घूस देते हैं. जिस दिन आप घूस देना बंद कर दोगे उस दिन उन लोग घूस लेना भी बंद कर देंगे. फिर उन लोग खुद एक सिस्टमेटिक तरीका, हाँ मानती हूँ सिस्टमेटिक तरीका लंबा होता है, थोड़ा पैनिक होता है, दौड़ना धूपना. अगर छोटा सा एक पेपर को भी अगर हमें इशू कराना है तो बहुत दौड़ना होता है उसे, जगह जगह पे साइन हेन तेन ब्ला ब्ला हेडेक. पर अगर उस चीज को रोकना है तो उसे स्टार्ट करना हो. और अगर आप नहीं स्टार्ट कर सके नहीं सकते तो आपको हक नहीं है ये कहने का कि इंडिया में इतना करप्शन क्यों है, क्योंकि आपने उसके अगेंस्ट कोई भी ना तो पाव हिलाया, ना तो हाथ हिलाया, ना तो मुंह हिलाया. तो आपको कोई हक नहीं है करप्शन को खिलाफ बोलने का. आप करप्शन का खिलाफ तब बोल सकते हैं जब आपने उसके अगेंस्ट कुछ किया हो. और मैं नहीं दूंगी पैसा. मैं पैसा दूंगी अगर मैं उस चीज के लिए कैपेबल नहीं हूं और फिर भी मुझे जरूरत है. और अगर मुझे उस काम की इतनी ज्यादा जरूरत है दैट मीन्स मेरी सिचुएशन ठीक नहीं है. इट्स अ सिंपल लॉजिक. काम की जरूरत लोगों को कब बहुत ज्यादा होती है, नेसेसिटी होती है, जब उनके पास सिचुएशन वैसा होता है और उनके पास कुछ नहीं होता करने के लिए. तो जब मेरी सिचुएशन वैसा है तो मैं पैसा नहीं दे पाऊंगी. सो इसका सिंपल सा लॉजिक का मीनिंग ये है कि इस दुनिया में आजकल पैसे वही दे सकते हैं जिनके पास पैसे हैं. उनके पास पैसे हैं तो वो देंगे तो उन्हें जॉब मिलेगा. तो आजकल क्या हो गया है कि जहां पे जाते हैं लोग इतना पैसा दो 5 लाख, आजकल तो लोगों का डिमांड बहुत ज्यादा हो गया है, 1 लाख 2 लाख से चलता नहीं, 5 लाख 6 लाख 10 लाख चाहिए. इतना पैसा दो तो हम तुम्हें ये जॉब देंगे, ठीक है. लेकिन पैसा देने वाला इंसान कभी ये नहीं सोचता कि मैं पैसा क्यों दूं. अगर मैं उस काम के लिए कैपेबल नहीं हूं तो खुद को कैपेबल बनाओ यार. और अगर उस चीज के लिए कैपेबल हूं तो मुझे पैसा देने की जरूरत नहीं. सिंपल सी चीज बताती हूँ. इस हमारे इंडिया में डिग्रियां लेके घर पे बैठने वाले लोगों की कमी नहीं है. यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास एमए बीए पीएचडी बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं और घर पे बैठे हुए हैं. क्यों पता है? क्योंकि डिग्री आपको सिर्फ जॉब दिला सकती है. आप उस जॉब को आगे लेके तभी जा सकते हो और उसमें काम तभी कर सकते हो जब आप उसके कैपेबल हो, जब आप उसके लायक हो. तो ये चीज यंगस्टर्स को समझने की जरूरत है कि अगर आप कैपेबल हो तो आपको पैसे देने की जरूरत नहीं, और अगर आप कैपेबल नहीं हो तो खुद को कैपेबल बनाओ. उस दिन स्टार्ट होगा जर्नी करप्शन के अगेंस्ट जाने का. घर पे बैठ के पाव रख के पेपर पढ़ के पेपर में देख के यहाँ पे इतना घूस देख के हमारे इंडिया के करप्शन के खिलाफ बोल के कोई फायदा नहीं, क्योंकि उससे ना तो कुछ ठीक होने वाला है ना तो बदलने वाला है. इंसान की मेंटेलिटी एक ऐसी चीज है जिसको बदलने में लोगों को सदियों लग जाते हैं पर नहीं बदलता. और कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि एक मिनट में कुछ ऐसा होता है कि वो ठक करके लग जाता है और वो समझ जाते हैं. तो हमें उस ठक करके जो मूवमेंट है ना, उस मूवमेंट को समझने की जरूरत है कि उस मूवमेंट को हम कैसे लोगों को तक दिखा सकते हैं और उन्हें समझा सकते हैं इस चीज के बारे में. क्योंकि करप्शन एक ऐसी चीज है जो 1 और 2 दिन में ठीक होने वाली चीज नहीं. करप्शन कोई चिकन नहीं है जिसको हम लोग मसाला डाला भून दिया और बना के खा लिया. नो, करप्शन एक ऐसी चीज है जो बहुत टाइम पहले से आ रही है. फॉर एग्जाम्पल, एक बाइक को अगर हम बहुत दिन तक नहीं चलाते, उसे एक ही तरीके से रखते हैं, तो उसमें अगर आप जब उसे स्टार्ट करोगे ना तो उसमें ग्रंजेस आएंगे, बहुत आवाज आएंगे, वो चलेगा नहीं, वो जैम हो जाएगा.
तो करप्शन ठीक वैसा ही है, वो इतने टाइम पहले से एक ही जगह ठप होके रखा है। इज लाइक लोग मांग रहे हैं आप पैसा दे रहे हो उनका काम हो रहा है, लोग मांग रहे हो आप पैसा दे रहे हो उनका काम हो रहा है, तो वो क्या हो गया कि कहीं ना कहीं एक सिस्टम जैसा ठप होके बन गया है और लोग उस सिस्टम को ही अपनी पूरी लाइफ बना लिए कि लाइक अरे नहीं यार जॉब चाहिए तो पैसा देना ही होगा। अरे जो जॉब चाहिए तो पैसा देना होगा क्या मतलब, तुम खुद को जॉब के लायक बनाओ। यहाँ पे अब तो एक नई चीज निकली है एंटरप्रेन्योर, कॉल्ड एंटरप्रेन्योर, जिसमें आप खुद को बना सकते हो, अपनी आइडेंटिटी बना सकते हो, खुद बिजनेस कर सकते हो। या उसमें टाइम चाहिए, थोड़ा टाइम चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, लेकिन आप सोचो कि जो पैसा आप वहां घुस दे रहे हो वो भी किसी के अंडर काम करने के लिए, नेवर फॉरगेट, आप किसी के अंडर काम करने के लिए पैसे दे रहे हो भाई, आप लीड लेने के लिए पैसे नहीं दे रहे, आपके ऊपर कोई होगा और आप 10 लाख देने के बाद भी एक सीट पे बैठे हो और एक आदमी आपको फोन करके बोलता है कि तुम मेरे केबिन में आओ, और तुरंत उठ के उसके ऑर्डर पे केबिन में चल जाते हैं। यू आर थिंकिंग दैट यू आर इन अ राइट पथ, नो यू आर नॉट ऑन अ राइट पथ, कोई जरूरत नहीं इसकी। आप जो पैसा वहां दे रहे हो आप वही पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, बस उसके लिए थोड़ा सा क्रिएटिव दिमाग, दिमाग सबके पास होता है, बस बात इतनी सी है कि चलाने की जरूरत है। बहुत पुरानी कहावत है पर बहुत सही है, चलाने की जरूरत होती है। जितना कहते ना ब्रेन स्टॉर्मिंग, जितना चलाओगे वो उतना दौड़ेगा, चलेगा नहीं वो दौड़ेगा, भागेगा, भाग मिलता भी बन सकता है, प्रॉब्लम नहीं है। तो आप वो चीज पे देखो क्या है, उस वो सोच के फायदा नहीं, आप उसके लिए क्या कर सकते हो वो सोचने में फायदा है। तो एज इंडिया जहाँ फायदा है वहां हमारी नजर है, तो जहां फायदा है वहां सोचो, वहां अपना दिमाग लगा, वहां अपना पैसा इन्वेस्ट करो, वहां अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करो। ऐसे लोगों को पैसा देके करप्शन करके, और लोगों के अरे क्यों करना है करप्शन भाई, हमारी बॉडी है, हमारे हाथ से हमारे पाव है, आप पैसा दे सकते हो तो आप पैसा कहीं पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इस दुनिया में काम की कमी नहीं है, सबसे पहली बात हमारे इंडिया में काम की कमी नहीं है, ये मैं लोगों को बताना चाहूंगी। आप अगर अभी आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल, अभी कुछ टाइम पहले मैंने अभी कल ही एक शो देखा, कॉल पपेट शो, उसमें कुछ नहीं करते, उसमें लोग आते हैं एक लाइक जो हमारी डेली लाइफ होती है उसको लेके एक कॉमेडी सा सीन बनाते हैं 4 या 5 मिनट का, एंड व्यूज आर इन मिलियंस, मिलियंस के व्यूज आते हैं, और उन लोग भी इंडिया के ही है, उन लोग ने कहीं घूस नहीं दिया, कहीं काम नहीं किया, किसी के अंडर नहीं गए, उन लोगों ने क्या किया पता है, बस अपना थोड़ा सा दिमाग लगाया और टाइम का सही यूज किया, और आज वो करोड़ों कमा रहे हैं, लाखों कमा रहे हैं, घर पे बैठे बैठे 2 और 4 मिनट का एक्टिंग करके, एडिटिंग करके वो लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। तो इस दुनिया में कमाने का रास्ता अगर आप ढूंढने निकलोगे ना, तो गली गली में कमाने का रास्ता मिलेगा आपको। यहाँ पे लोगों को बोलने का भी पैसा मिलता है, स्टेज पे खड़े होके बोलने का भी पैसा मिलता है, दिमाग नहीं तो मुंह ही चला लो उसका भी पैसा मिलेगा।